सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसे में बहुत से कैंडिडेट ने सीआईडी ऑफिसर्स को रियल में या टीवी सीरियल में देख रखा होता है एंड उनको सीआईडी ऑफिसर का काम बहुत पसंद आता है। ऐसे में वह भी सीआईडी ऑफिसर बनने की सोच लेते हैं बट उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बना जाता है। सो यह वीडियो उन्हीं फ्रेंड्स के लिए है जो अपना करियर सीआईडी ऑफिसर में बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बेहतर और सटीक जानकारी के साथ जानने वाले हैं कि सीआईडी ऑफिसर क्या होता है, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट रहती है एंड सीआईडी ऑफिसर कैसे बने, सीआईडी ऑफिसर की जॉब रोल्स क्या हैं एंड सीआईडी ऑफिसर को सैलरी कितनी मिलती है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हैकर एंड लेट स्टार्ट वीडियो विद टुडेज वीडियो टाइटल हाउ टू बिकम सीआईडी ऑफिसर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले जानते हैं सीआईडी ऑफिसर क्या होता है। सीआईडी पुलिस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। इसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनका काम अधिक संवेदनशील अपराधों या मामलों की गुप्त रूप से जांच करना होता है, जैसे रेप, मर्डर, डकैती आदि। आइए जान लेते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहले जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ सीआईडी में अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है तथा उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। सीआईडी बनने के लिए एज लिमिट। सामान्य वर्ग के लिए सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा 20 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के छात्रों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है अथवा उनकी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच हो जाती है। एससी एसटी वर्ग के छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिलती है, इस प्रकार उनकी आयु सीमा 20 से 32 वर्ष के बीच हो जाती है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए हाइट पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर या लगभग 5.2 फीट और महिलाओं के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर लगभग 5 फीट होनी चाहिए। छाती कम से कम 76 सेंटीमीटर फुलाकर होनी चाहिए। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए नेत्र दृष्टि 6x6 और 6x9 होनी चाहिए। पास की दृष्टि एक आंख में 0.6 और अन्य आंख में 0.8 होनी चाहिए। अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार 4 बार, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार 7 बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए सीआईडी परीक्षा अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। हाउ टू बिकम सीआईडी ऑफिसर यानी सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। दो तरीके से हम सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं, पहला यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस परीक्षा को पास करके एंड दूसरा पुलिस फोर्स ज्वाइन करके। आइए बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले 10वीं की कक्षा पास करें, उसके बाद 12वीं की कक्षा पास करना होगा। 12वीं पास होने के बाद ग्रेजुएशन पूरी करना होगा। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है उसके बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें, उसके बाद रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू को क्लियर करें। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद सीआईडी ऑफिसर के रूप में चयनित हो जाएंगे। जॉब रोल्स ऑफ सीआईडी ऑफिसर, इसमें जो पहला है वह फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, सेकंड पुलिस ऑफिसर, थर्ड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, फोर्थ क्रिमिनोलॉजिस्ट, फिफ्थ नार्कोटिक्स ऑफिसर एंड जो लास्ट है वह है फेरा लीगल। फाइनली बात करते हैं सीआईडी ऑफिसर को मिलने वाली सैलरी के बारे में। एक सीआईडी अधिकारी का जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे वेतन में बढ़ोतरी होती जाती है। एक सीआईडी ऑफिसर की सैलरी लगभग 90,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकती है। सैलरी के अतिरिक्त उन्हें विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता आदि।